So we were discussing this question. So in triangles, this is one of the maybe one of the difficult chapters you can say, क्योंकि ज्योमेट्री सबके लिए इतना आसान नहीं है, बट इट इज़ वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इज वेरी इजी ओनली. सो हमने अभी तक सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ाई किया, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बता रहे कि जब इन अ ट्राइंगल इफ वन साइड इज, इफ यू ड्रॉ ए लाइन, इफ दैट लाइन इज पैरेलल टू द parallel to one side, then that line will divide the other two sides in the same ratio. Now, uska reverse bhi tha. Reverse a hi bol rahe hai ki in a triangle, if a line divides two sides in the same ratio, then that will be parallel to the third side. Reverse thing. So, wohi uska sirf uske alawa kuch bhi nahi. Wohi use karke hum problem kar rahe. तो इधर देखो, इधर एक ट्रायंगल दिया है. सो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करके ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में आएगा. इन दिस ट्रायंगल डी ई इज पैरेलल टू ए सी. सो डी ई आप देखेंगे तो हियर इज डी ई, दिस इज डी ई, दिस इज पैरेलल टू ए सी. सो हियर इट इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी. सो आपको ये ट्रायंगल, आप ये ट्रायंगल कंसिडर कर देना. सो उसके लिए आप ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर कर देना, ए बी सी. सो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी एंड दोस. देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो वो ट्रायंगल ए बी सी देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, DE is parallel to AC. Now, तो वैसे है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से BE by EC is equal to BD by DA. नहीं ये तो AD. It is just simply basic proportionality theorem, isn't it? In a triangle, it's a converse of basic proportionality theorem. Or, sorry, it is basic proportionality theorem. In a triangle, if a line DE is parallel to the third side AC, then that line DE divides the other two sides in the same ratio, BD divided by DA, that is BD divided by AD, or BD divided by DA same as BE divided by AC. Understood? By basic proportionality theorem. Now, similarly, ab dusra triangle dekhenge to, that is triangle BAE. BAE. So हम क्या करेंगे, मैं एक green color use करेंगे थोड़ा सा ऊपर से, तो आपको थोड़ा सा और ठीक दिखाई देगा. मैं green color से, नहीं तो दूसरे एक picture draw करेंगे, एक second. मैं थोड़ा इधर ड्रॉ करेंगे सो आपको वो कंफ्यूज नहीं होगा. एक ही फिगर में सभी बताएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा. अब देखेंगे ट्रायंगल बी ए बी ए बी, दिस ट्रायंगल आप देखो, ये ट्रायंगल देखो, दूसरे एक कलर रेड कलर यूज करेंगे. देखो ए बी ई ये वाला, क्योंकि एक ही फिगर में सब बोलेंगे तो ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा समझने में. सो इन दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल कंसीडर कर देना ए बी ई, उसमें से उन्होंने हमें बोला है कि डी एफ, डी एफ, एक सेकंड एक कॉल आ रहे, वन सेकंड. सो इन दिस ट्राइंगल यू कैन सी दैट डी एफ, डी एफ इज, it is given that parallel to AE. So same basic proportionality theorem apply karenge. So BD by DA is equal to BF by FE. Understood? Aaya samajh mein? Yes sir. Abhi dekho wo dono equation ka right side same hai, BD by AD, BD by AD, uska matlab BE by EC is same as FE by BF by FE. That is what we need to prove.
उनका दोनों का राइट साइड सेम था, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी, इधर भी बी डी बाई ए डी। सो कुछ नहीं, सिंपल थिंग, एक फिगर दिया था, उसमें से दो ट्राइंगल कंसिडर किया, ए बी सी एंड हियर ए बी ई। ट्राइंगल ए बी सी में डी ई ए सी के लिए पैरल है करके बोला था, सो बाई पेसी प्रोपोर्शनल थियरम ये रिजल्ट मिला। ट्राइंगल ए बी ई में डी एफ पैरल टू ए ई बोला था, अगेन बेसी प्रोपोर्शनल थियरम बी डी बाई डी। सो यू कैन सी दैट दोनों, अंदर आ जाओ खोलो ना, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, वो साइड कॉमन था। सो बी डी बाई ए डी दोनों जगह था इक्वेशन में, सो उसमें से लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, इसलिए बी बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। क्लियर, सिंपल यूज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। Now I'm going to change the internet connection. Hold 1 minute. Let me check whether the connection is okay or not.